morning, guys. Good morning from our first campsite, Chika. और ये हमारी कैंप साइट से व्यू. एंड लुक एट दिस अमेजिंग वाटरफॉल. और ये कल खतरनाक ब्रिज क्रॉस करके आए थे यहाँ पे, जिसे मेरा GoPro जस्ट गिरते गिरते बचा था. तो ट्रैक स्टार्ट करने से पहले हमारे ट्रैक गाइड ने हमें सुबह सुबह स्ट्रेचिंग करवाई. अब हम रेडी हैं ट्रैक स्टार्ट करने के लिए. एक बार कल के और आज के ट्रैक रूट का कंपैरिजन कर लेते हैं. तो जोबरा है 9,800 फीट पर और चिका है 10,400 फीट पर. दोनों के बीच का एलिवेशन है 300 फीट का, जो कि कल हमने कवर किया था 2 किलोमीटर में. और आज का ट्रैक रूट देखते हैं. तो चिका है 10,100 फीट पर और बालू का गेरा है 11,900 फीट पर. दोनों के बीच का जो एलिवेशन है वो है 1,800 फीट का और ये डिस्टेंस हमें कवर करना है 8.5 किलोमीटर्स में. तो आज का ट्रैक कल के ट्रैक के मुकाबले काफ़ी मुश्किल होने वाला है. ऐसे होते हुए ये पार करते हुए इधर पार जाना है. ये पार ऐसे जाना है ना. और अब आने वाली है वाटर क्रॉसिंग. वैसे तो जब हम गए थे तो वाटर क्रॉसिंग में पानी काफ़ी कम था, बट अगर आप मेन पीक टाइम यानी कि जुलाई अगस्त के महीने में जाएंगे तो इस टाइम पे वाटर क्रॉसिंग बहुत हैवी होती है, मतलब बहुत ही ज़्यादा पानी होता है और बहुत डिफ़िकल्ट होता है इसे पार करना.
पहुंच रहे हैं अपने लंच स्पॉट पे। तो ऑटम सीजन है इस वजह से यहाँ पे इतनी ग्रीनरी नहीं है, बट फिर भी ये अपने आप में बहुत ब्यूटीफुल है। बट अगर आप सही टाइम पे आएंगे इस वैली में तो आपको बहुत सारे फ्लावर्स देखने को मिलेंगे। तो स्नोफॉल स्टार्ट हो गई है, बहुत ही ऑसम लग रहा है, पर उतना ही रिस्की भी है और बादल एकदम आगे तक लगे हुए हैं, आगे भी मौसम शायद ख़राब ही मिले। दूर से आते हुए फाइनली हम एक टॉप पे पहुंचे हैं और बस हम अपने कैंप साइट पे पहुंचने ही वाले हैं। बहुत ही अमेजिंग रास्ता है और उतने ही खतरनाक। और अब मैं आपको दिखाता हूँ द मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ दिस ट्रैक, the valley। तो कैंप पे पहुंचते ही उस ठंडे मौसम में गर्मा गर्म सूप पिया, बहुत ही मज़ा आया। और मज़े के बाद सज़ा भी मिलती है हमें, वही पड़ता है उस ठंडे पानी में धोने भी पड़ते हैं, बट उसका भी अपना अलग ही एक्सपीरियंस है। ये कैंप साइट खुद में ही बहुत ब्यूटीफुल है और स्नोफॉल ने इसकी ब्यूटी में चार चांद लगा दिए थे। तो इस ब्लॉग में सिर्फ इतना ही, नेक्स्ट ब्लॉग में हम हम्टा पास करेंगे। तो अगर आप उस ब्लॉग को देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें।